नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त रितेश। सबसे पहले आज बात करेंगे फिर से वही इंपॉर्टेंट इशू, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के। एक्चुअल में इसमें अपडेट यह है कि समिति जो बनाई गई है संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए, संविदा कर्मियों की तरफ से उसके कुछ मेंबर्स सीएम अशोक गहलोत से, यानी कि राजस्थान की बात कर रहा हूँ, उनके घर पर जाकर मिले हैं। अब उन्होंने कुछ चार बिंदु और क्लियर किए हैं, तो इससे काफी सारे संविदा कर्मी भाई बहनों के मन में जो भी डाउट्स थे वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये थी और सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही है कि केवल और केवल नियमितीकरण पर बात करना चाह रहे हैं सभी लोग, कि जो भी नियम है कायदे हैं वो एक अलग बात है, पर आप परमानेंट करोगे या नहीं ये बताओ। तो इस मामले में सीएम अशोक गहलोत का ये कहना था कि भाई ये जो काम है नियमितीकरण का ही चल रहा है और डेफिनेट रूप से नियमित ही आप लोग होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, यानी कि सरकार की इच्छा शक्ति काफी अच्छी है। दूसरी बात करते हैं कि जो फर्स्ट पेमेंट आपका है 16,900 वाला जो ग्रेड फिक्स किया गया है, उसके आदेश 3 दिवस के भीतर देने की बात कही गई है। तो खास करके एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, संविदा पर हैं, ये बात उनकी बता रहा हूँ, बाकी के आदेश भी आएंगे। और राजीविका के, पंचायत राज के आदेश आ चुके हैं, एजुकेशन में कुछ के बचे थे वो भी आएंगे, बाकी एनएचएम वालों का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, वहां तो ब्यूरोक्रेसी ने मामले को फंसा रखा है। तो सीएम साहब जरा ये भी एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो 16,900 वाले आदेश 3 दिन में देने की बात कही है। एक बात और आ रही है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से काउंट होगा। तो इसमें उन्होंने साफ साफ कहा ओएसडी सुश्री आरती डोगरा को, और उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि 1/1 का फार्मूला ही लाया जाएगा, यानी कि 1 साल का अनुभव है तो 1 साल ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 4 साल का अनुभव है तो 1 साल काउंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 1 साल का अनुभव 1 साल ही काउंट होगा, सरकार की ऐसी मंशा है। और 16,900 के आदेश के बारे में भी ओएसडी श्री ललित जी को उन्होंने कहा था, तो ये चीज थी। और एक बात और आ रही है कि जो अनट्रेंड है उनका क्या होने वाला है। तो अनट्रेंड के लिए भी ऐसा नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो इसके प्रदेश संयोजक एडवोकेट श्री रामजीत पटेल और कोष अध्यक्ष के यादव जो थे वो वहां मौजूद थे, और भी काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे। कुल मिलाकर संविदा कर्मियों के लिए मेन जो चीज थी वो यही थी कि नियमित करेंगे कि नहीं, तो कह दिया क्लियर कि नियमित ही होंगे और वही प्रोसेस चल रहा है। आदेश 3 दिन में आ जाएंगे 16,900 वाले, और एक्सपीरियंस 1 ईयर का 1 ही काउंट होगा, और जो ट्रेंड नहीं है टीचर्स उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। चारों मुद्दों पर क्लियर टू क्लियर सीएम अशोक गहलोत से उनके निवास पर बात हुई, जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर आप भी करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।